आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 13 प्लांट्स के बारे में बताने वाला हूँ, 13 ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हैंगिंग बास्केट में आप बहुत आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 7-8 दिन के अंदर ही आप कटिंग से भी इन प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की लिस्ट में 13वें नंबर पर जो प्लांट आता है, 13 नंबर पर जो प्लांट आता है उसका नाम है लिनोफाइलम। लिनोफाइलम जो प्लांट है ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। सक्यूलेंट प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी पत्तियों में पानी को जेल के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। तो जो लिनोफाइलम प्लांट है ये सक्यूलेंट प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। इसको आप वेल ड्रेनेज सॉइल दें, अच्छी ड्रेन होने वाली सॉइल में इसको लगाएं। 12वें नंबर पर आज की लिस्ट में मेरा फेवरेट प्लांट है पान का पौधा। तो पान का जो पौधा होता है, बीटल लीफ भी बोलते हैं उसको, जो बीटल लीफ का पौधा है ये वाइन की तरह फैलता है, इसकी बेल बनती है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। इसको बस थोड़ा सा ये गर्मी से सेंसिटिव है तो थोड़ा सा इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर बहुत तेज़ धूप इसे दिन भर ना पड़ती रहे। थोड़ी मीडियम ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे तीन चार घंटे से ज़्यादा की इसको डायरेक्टली धूप ना पड़े। 11वें नंबर पर आज की लिस्ट में आता है एस्पैरागस। एस्पैरागस जो है ये ड्राउट टॉलरेंट पौधा है, बिना पानी के, कम पानी के भी बहुत अच्छे से चलता है। तो उसको गर्मियों में लगाने के लिए एक बहुत ही आइडियल सा पौधा है, इसको घर में ज़रूर लगाइए, हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ। इसके अलावा 10वें नंबर पर आज के लिस्ट में है मॉसरोज। मॉसरोज एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा लीस्ट मेंटेनेंस प्लांट है और आपको बहुत ज़्यादा फूल देता है। ये पूरे गर्मियों के टाइम पे आपको लगातार ये फूल देता है और उसको आपने ज़्यादा ना ही खाद देनी है ना ही बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इस पौधे की। तो इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं आप हैंगिंग बास्केट के अंदर। 9th नंबर पर आज के लिस्ट में आता है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों का आप देखेंगे तो काफ़ी मोटी पत्तियां होती हैं, इसमें भी काफ़ी सारा पानी स्टोर करके रखता है ये प्लांट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। आप मेरा ये प्लांट देखिए, ये बिल्कुल नीचे की तरफ कैस्केड कर रहा है, जैसे झरने की तरह से इसने शेप ले ली है और बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। तो इसको भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, इसकी छोटी मोटी कटिंग्स आप लेके किसी भी गमले में गड़ा दीजिए और बहुत ही जल्दी से ये भी जड़ें पकड़ लेता है। इसके अलावा आज की 8वें नंबर पर आज की लिस्ट में आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा इजी टू ग्रो है, उसको बस नोड्स वाले सेक्शन से आपने उसको लेना है और उसे मिट्टी में गड़ा देना है और बहुत ही आसानी से उग जाता है ये भी। इसकी काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, इसमें वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड और नियॉन कलर में भी मनी प्लांट्स आते हैं। तो अलग अलग वेराइटी के मनी प्लांट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद आए आप वो ले सकते हैं। तो 7वें नंबर पर आज की लिस्ट में आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट लगा हुआ तो हैंगिंग बास्केट में सुंदर लगता ही है, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। तो आप अपने घर की एयर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्पाइडर प्लांट ज़रूर घर में लगाइए, ऑक्सीजन लेवल्स को भी इम्प्रूव करता है आपके घर में ये। स्पाइडर प्लांट के जब सकर्स निकलते हैं इसके अंदर से वाइट रंग के फूल आते हैं बहुत ही सुंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। 6ठे नंबर पर आज की लिस्ट में आता है एरोहेड वाइन, या जिसको सिंगोनियम भी बोलते हैं। तो ये जो एरोहेड वाइन आपको दिख रही है सिंगोनियम, ये मिनिएचर वैरायटी का सिंगोनियम प्लांट है और मुझे हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए मिनिएचर वाली वैरायटी ही पसंद है। आप जो है बड़े वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं लेकिन बड़े वाली वैरायटी मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। मिनिएचर वाली वैरायटी मुझे ज़्यादा पसंद है हैंगिंग बास्केट के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा क्विक ग्रोइंग प्लांट है तो उसको भी बहुत ही आसानी से आप कटिंग से ज़रूर लगाइए। इसके अलावा 5वें नंबर पर आज की लिस्ट में आता है आईवी। आईवी जो है ये कॉमन आईवी भी मार्केट में मिल जाती है आपको, कॉमन आईवी के अलावा आपको इंग्लिश आईवी भी मार्केट में मिल जाती है, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आईवी अगर आपने घर में लगानी है तो बस इसका एक ख्याल रखिए, ये कटिंग से हालांकि बहुत जल्दी उग जाती है लेकिन बस एक आपने ख्याल करना है कि ये हीट सेंसिटिव होता है प्लांट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी को ये प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसे बिल्कुल छाया वाले एरिया में रखिए, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं या फिर किसी ब्राइटली लिट एरिया में रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ज़्यादा ना पड़े। 4थे नंबर पर आज के लिस्ट में आता है फर्न का पौधा। फर्न जो है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आपके गार्डन में लुक ऐड करता है, तो फर्न को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। ये भी इंडोर रखने वाला पौधा है, आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं, कम लाइट में भी ये चल जाता है, आर्टिफिशियल लाइट्स के नीचे भी चल जाता है ये, तो फर्न को ज़रूर लगाइए। इसके अलावा 3रे नंबर पर आज के लिस्ट में आता है फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन जो है ये मनी प्लांट की तरह ही दिखने वाला पौधा है लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं वो ज़्यादा मोटी और ज़्यादा लेदरी लगती हैं दिखने में। तो फिलोडेंड्रॉन भी बहुत ही ज़्यादा क्विक ग्रोइंग प्लांट है और उसकी कटिंग्स भी बहुत ही जल्दी चल जाती हैं, तो फिलोडेंड्रॉन आप लगाइए, ये भी बहुत बढ़िया पौधा है इंडोर लगाने के लिए कम लाइट में। इसके अलावा 2रे नंबर पर आज की लिस्ट में आता है टर्टल वाइन।
टर्टल वाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे घर में टर्टल वाइन के कई सारे गमले लगे हुए हैं। टर्टल वाइन भी बहुत ही क्विक ग्रोइंग है, आप इसके बस दो चार इसकी स्टेम्स, आप एक दो स्टेम्स ले आइए कहीं से और ये आपके कई सारे पौधे उसके बाद बन जाएंगे। दोबारा आपको टर्टल वाइन दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा क्विक ग्रोइंग प्लांट है। तो इसको लगाइए, बहुत ज़्यादा लेंथ में लंबा हो जाता है नीचे तक के, तो बहुत ही ज़्यादा आइडियल प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है लगा हुआ साथ में, तो उसको ज़रूर लगाइए। लो लाइट वाला प्लांट है, तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि घर में लाइट नहीं आती, सनलाइट नहीं आती डायरेक्टली, तो वो भी इसको बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की लिस्ट में नंबर वन प्लांट के बारे में, जो सबसे पहले नंबर पर आज की लिस्ट में है, उसका नाम है अपराजिता। अपराजिता को इंग्लिश में ब्लू बेल के नाम से भी बोला जाता है, ब्लू बेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर नीले रंग के बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। तो अपराजिता का पौधा जो है बहुत ही आसानी से आप बीज से उगा सकते हैं घर के अंदर, और ये इंडियन क्लाइमेट में उगाने के लिए एक आइडियल प्लांट है। तो आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको उगाने के लिए। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लुक आपके घर में ऐड करेगा। तो आज की लिस्ट में जो 13 पौधे मैंने आपको बताए, उनमें से ज़्यादातर पौधे ऐसे थे जो कि जिन लोगों के घर में सनलाइट कम आती है वो भी इनको बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि आजकल सनलाइट भी घर में आना एक लग्जरी बन चुका है। तो इसीलिए ज़्यादातर पौधे ऐसे हैं जो कि कम सनलाइट के साथ भी और बिल्कुल इनडोर भी आप इन्हें उगा सकते हैं। अगली वीडियो जो अगले हफ्ते आएगी, उसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बताऊंगा जो जिन्हें सनलाइट चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करिएगा। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो जिन्हें गार्डनिंग का शौक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। आप पौधे उगाते रहिए और सेफ रहिए।